हाय, कैसे हो सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। आशा करता हूँ कि आपका दिन भी बहुत अच्छा जा रहा होगा। अगर नहीं जा रहा हो तो होप करता हूँ कि अच्छा चल जाए। और आज का जो व्लॉग है वो है, मैं अभी थोड़ा वेदर फोरकास्ट में बता रहा है कि बारिश होने वाला है, तो इसलिए मैं अभी टेंट सेटअप करूँगा और वहाँ पर मैं अभी बारिश के टाइम पर रुकने वाला हूँ थोड़ी देर के लिए। लेट्स सी, चलो पहले तो टेंट सेटअप कर लेते हैं। ये देखो बारिश आने वाला है, टेंट भी सेटअप मैंने कर लिया है और सामने नदी, तो आई एम डैम एक्साइटेड। लेट्स सी क्या होता है। क्या लगता है आप लोगों को, मैं आज सरवाइव कर पाऊँगा ये बारिश? अभी तक नहीं आया, बारिश आ जाएगा थोड़ी देर में। एंड अभी के लिए तो फिलहाल सारे सामान मैं रख चुका हूँ। यहाँ पे मैं ये भी ये मैं लगा दूँगा, इसको मैं वैसे ये कर दूंगा, एडजस्ट कर दूंगा, लगा दूंगा। इसका सीन अंदर से इधर से होगा, हाँ इधर से होगा। एंड आई होप कि जोर से बारिश ना आए। फाइनली जो है बारिश आ चुका है और मैं अभी टेंट के अंदर आ चुका हूँ एंड थोड़ा थोड़ा करके बारिश गिर रहा है, तो इसके अंदर भी बारिश आएगा। भाई रुक जाओ, पहले इसको मैं बांध देता हूँ। देखो बाहर कितना तेज बारिश हो रहा है एंड दिस इज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। अंदर पानी आ रहा है, अंदर पानी आ रहा है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मतलब देखो जो टेंट मैंने लिया है वो उतना महंगा नहीं है। यहाँ से पानी वो दे, थोड़ा ऐसा और खींच के देना चाहिए, देते ना तो पानी नहीं जमते। तो बारिश जो है रुक चुका है। भाई ये मैंने खोल दिया है और थोड़ा बाहर जाके देखते हैं भाई क्या नज़ारा है, क्या है क्या नहीं है। ऐसा रुक चुका है। मेरे अंदर मोबाइल कैमरा बैग सब है, लेकिन गलती कहाँ पे किया पता है? इसमें इसको गलती, इसमें गलती किया। रुक जाए, इसको थोड़ा और टाइट करे बांधते हैं क्या। ओहो गिर गया था, बहुत हवा बह रहा है, बहुत ही ज़्यादा हवा बह रहा है। टेंट को तो मैंने किले से भी अटका दिया था, मतलब वो जो हुक नहीं रहता, हुक दिया हुआ रहता है उनसे मैंने अटका दिया था, लेकिन फिर भी बहुत गंदा हवा बह रहा है। स्लीपिंग बैग होता ना तो मैं यहाँ पे आराम से सो सकता था, एनाफ स्पेस है पूरा। बट दिक्कत यह कि मैंने सिर्फ अभी टेंट मंगाया है, स्लीपिंग बैग अभी तक नहीं मंगाया। हाँ धीरे धीरे करके सब लाऊँगा, बट हाँ स्लीपिंग बैग होगा ना बहुत बढ़िया होगा। और एक चीज़ है जो चीज़ मैं फेस कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, ये सिर्फ एक टेंट है और इसके ऊपर भी और एक मतलब ऐसे पॉलीथीन का ही कपड़ा रहता है बहुत बड़ा, वो भी मुझे लेना होगा। और एक स्लीपिंग बैग, स्लीपिंग पिलो, ये सब, ये दो तीन चीज़ें मुझे ऐड करना होगा टेंट पे रुकने के लिए। अभी बीच में थोड़ी देर के लिए बारिश रुका था लेकिन दोबारा वापस आ गया। ये देखो ये बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है।
घर से सब लोग फोन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि तेरे तो ठीक है, मतलब टेंट के अंदर बारिश बारिश तो नहीं आ रहा है कंटिन्यू 2-3 आवर। अगर बारिश होगा ना तो टेंट के अंदर पानी आ सकता है, ये मैं अभी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि अभी बारिश हो रहा है लगभग 30 मिनट या 45 मिनट ही हुआ है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ये सब भीगने लगा है। तो अगर 2-3 आवर कंटिन्यू बारिश रहेगा सिर्फ इसके अंदर तो पानी अंदर आ सकती है। इसके ऊपर मुझे और एक चीज़ लगाना पड़ेगा, हवा हवा मतलब ऐसे ऐसे खींच रहा है, अगर बारिश रुकेगा तो फिर ठीक है, वेल डन। मतलब 45 मिनट 1 आवर के लिए ये टेंट काफ़ी है, बट इसके ऊपर और एक छज्जा लगाना पड़ता है, वो भी मैंने नहीं लगाया। आज पहली बार मैं टेंट में ट्राई कर रहा था कि मतलब टेंट खरीदाऊँ तो कैसा होगा, बट ये एक्सपीरियंस वन ऑफ माई बेस्ट एक्सपीरियंस टेंट पे रहने का। इससे पहले मैंने कभी टेंट पे रहा नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ, वो भी बारिश में या स्नो पे कभी भी नहीं रहा हूँ, ये पहली बार मैं रुक रहा हूँ सोलो। ये देखो 1 आवर के ऊपर बारिश हो गया, तो यहाँ पे देखो पानी जम गया कोने में, यहाँ पे भी सेम हो रहा है, कोने में पानी जम जाता है, ये देखो सिर्फ 1 आवर बारिश है। एंड अभी 1.5 आवर हो रहा है, लेकिन फिर भी बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। एंड बट प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी अंदर आ रहा है, क्योंकि 1.5 आवर से बहुत हैवी रेन हो रहा है, हैवी रेन की वजह से पानी थोड़ा तो अंदर आ रहा है, बट सच बताओ ना आई एम एन्जॉइंग, ये बात सच है, बहुत एन्जॉय कर रहा हूँ, क्योंकि सिंपल सी बात है, मतलब रेन बारिश की टाइम पे आप यहाँ पे रुक रहे हो, आसपास कुछ है नहीं, अगर खाने का कुछ होता तो और भी मज़ा आता, मैगी वैगी कुछ होता ना और मज़ा आता। फाइनली बारिश टोटली रुक चुका है, हल्का हल्का बारिश हो रहा है, तो मैं सेटअप, शाम भी हो चुका है ऑलमोस्ट, अभी थोड़ी देर में पूरा अंधेरा हो जाएगा, तो मैं सेटअप ये करूँगा, थोड़ा समेट लूँगा, तो कील था मैंने वो उठा दिए, एंड अभी इसको थोड़ा पैकिंग करना है, समेटना है, फिर रूम पे जाते हैं। अभी बैग पैकिंग सारे हो चुका है, मैंने समेट लिया और इसको रूम पे जाकर सुखाना पड़ेगा, नहीं तो ये ख़राब हो सकते हैं। तो जो लोग भी टेंट यूज़ करते हैं, भीगने के बाद उस टेंट को सुखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो ख़राब हो सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज वाला ब्लॉग बहुत पसंद आया, तो पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना और थोड़ा कमेंट में बताना कैसा लगा, और हाँ मिलते हैं और एक दिन नया ब्लॉग नया कंटेंट के साथ।